वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर ऑप्शन सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे स्ट्रैटेजी नंबर 3.2 लॉन्ग पुट। इसके पहले हमने देखा था शॉर्ट कॉल, जहां पे मार्केट नीचे जाने से मार्केट में अपने को प्रॉफिट होता था। लॉन्ग पुट मतलब हम पुट को बाय करेंगे और मार्केट अगेन नीचे जाने से अपने को प्रॉफिट होगा। इसी का वाइस वर्सा स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बुलिश स्ट्रैटेजी के सीरीज़ में कवर किया हुआ है। ये बेरिश स्ट्रैटेजी की सीरीज़ है, यहाँ पर हम लॉन्ग पुट को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और प्लेलिस्ट भी एक बार है ना याद से विजिट कर लो, बिकॉज़ क्या ना क्या पता कौन सी वाली सीरीज़ आप ढूंढ रहे हो और हमारे प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल मिल जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कभी करते हैं? सस्ती सुंदर टिकाऊ यह स्ट्रैटेजी है। टिकाऊ नहीं है लेकिन सस्ती और सुंदर है। यह स्ट्रैटेजी में सिंगल पोजीशन लेते हैं जब मार्केट बेरिश साइड का व्यू होता है तो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो रिस्क इसमें लिमिटेड है, रिवॉर्ड इसमें अपने को अनलिमिटेड मिलता है। इसके लिए मैंने कहा था सस्ती और सुंदर। अब ये सुंदर तो हो गई, बाकी का हम आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है बाय वन पुट ऑप्शन। एक पुट ऑप्शन बाय करोगे बहुत सस्ता पड़ता है, लाखों का मार्जिन देने का ज़रूरत नहीं है। लाइव मार्केट का सिनेरियो अगर लूँगा तो 17,800 का मार्केट चल रहा है। यहाँ पे हम 17,800 का यहाँ पे सी लिखा है, एक्चुअली पी होना चाहिए था, गलती से गलत प्रिंट हो गया। तो 17,800 का पुट हमने 158 के रेट पे सेल कर दिया, ठीक है। 158 × 50 जो अमाउंट आएगा हमने पे किया हुआ है। मैक्सिमम लॉस हमारा 158 × 50 जो अमाउंट आएगी उतने का ही होगा, बिकॉज वो अपना मैक्सिमम लॉस है। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 158 कैन बी 1,500 और 2,000 और 5,000, जो भी मार्केट का सीनारी है जहाँ तक आप सोच सकते हो उतना ही अमाउंट जा सकता है। तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से अपने को बहुत कंफर्टेबल पड़ता है। तो ये स्ट्रैटेजी का डिसएडवांटेज भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे, तब तक के लिए हम नेक्स्ट करते हैं। और हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कंपैरिजन भी देखेंगे, ये स्ट्रैटेजी का एडवांटेज डिसएडवांटेज और पुरानी वाली जो हमने शॉर्ट कॉल देखी थी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। पे ऑफ चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये देखिए हमारा पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बन रहा है। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ ये चार्ट जा रहा है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एक लिमिटेड लॉस अपने को शो हो रहा है। सिंपल पे ऑफ चार्ट है। तो पे ऑफ चार्ट में कुछ खास एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी सीखी थी, तो ये तो हमको बच्चे वाली लग रही है। अभी ना मार्केट गिरने पर शॉर्ट कॉल भी प्रॉफिट दे रहा है, लॉन्ग पुट भी दे रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट कॉल में मार्जिन ज़्यादा देना पड़ रहा है और लॉन्ग पुट में मार्जिन कम देना पड़ रहा है, तो ऑलवेज कम वाला स्ट्रैटेजी बेटर है। बट दोनों में डिफरेंस ऐसा है, मार्केट साइडवेज रहने पे अपने को शॉर्ट कॉल में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज टाइम डीके होने का भी फायदा अपने को मिल जाएगा। लॉन्ग पुट में हम अगर होल्ड किए हैं और मार्केट साइडवेज है तो अपने को लॉस होता है। दी ओनली वन डिफरेंस इज देयर, बाकी का दोनों सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। बाय बाय। फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन पिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।